गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? आई होप सो यू पीपल आर फाइन एंड लाइफ इज़ गुड टू यू। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है बैड डेट्स का, ये कॉन्सेप्ट बैड डेट्स का इसलिए क्रिएट हुआ कि हमें उधार पर बेचना पड़ता है। वी कैन नॉट से दैट वी विल नॉट सेल ऑन क्रेडिट। तो जब बिजनेसेस उधार पर बेचेंगे तो कुछ लोग पेमेंट नहीं करेंगे, तो जब पेमेंट नहीं होगी तो कंपनीज उस अमाउंट को विच इज़ रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स, उनको वो राइट ऑफ कर देगी, और राइट ऑफ करने को कहते हैं बैड डेट्स। तो ये बताइए कि जब आपने किसी को माल उधार पर बेचा और उसने आपको पैसे नहीं दिए तो ये खुशी की खबर है या गम की? गम की। वेरी गुड। सारे गम एक्सपेंसेस, सारी खुशियाँ इनकम। तो जब किसी ने आपको, आपने जब किसी को उधार पर बेचा तो आपने एक अकाउंट क्रिएट किया जिसका नाम था अकाउंट रिसीवेबल, और दूसरा अकाउंट कौन सा क्रिएट किया? दूसरा क्रिएट किया सेल्स। सो आपने डबल एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। पता ये चला कि उस बंदे से पैसे आ गए, खुशियाँ, तो डबल एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी हमारा क्लेम ख़त्म हो गया। अकाउंट रिसीवेबल इज़ एन एसेट अकाउंट और हमारा एसेट हमें रिसीव हो गया। पहली एंट्री में हमने एसेट को क्रिएट किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और इनकम को क्रिएट किया सेल्स क्रेडिट, और उसके बाद अगली एंट्री के अंदर वो पैसे हमें मिल गए कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। एक एसेट बढ़ा और दूसरा एसेट कम हुआ। लेकिन ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि समटाइम्स यू आर अनेबल टू रिसीव द मनी फ्रॉम योर डेटर्स। तो अब क्या होगा? अब हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ जब करेंगे तो हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस अकाउंट का नाम होगा बैड डेट्स एक्सपेंस। सो बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। अगर आपने 100 रुपये का माल बेचा और 100 के 100 आपको नहीं मिले तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 100 से, और बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 100 से। और अगर आपको उसका 50% मिल गया तो 50% जब मिल गया तो 50% से आप कैश की इनफ्लो दिखाएंगे, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और जो पैसा नहीं मिला उसको बैड डेट एक्सपेंस का नाम देंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस जो है वो क्लोज हो जाएगा। कहाँ पर वो क्लोज हो जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। तो एक और एंट्री बना देंगे आप, हमें पता है कि सारे एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्लोज कर देते हैं। तो जब एंट्री, जब हम एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। यानी एक्सपेंस अकाउंट क्लोज किया हमने किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम समरी में। अच्छा, बास कोर्सेज ऐसे हैं, बास लेवल ऐसे हैं जहाँ पर इसके बाद का एक जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। वो जो हमने राइट ऑफ किया था वो हमें वापस मिल गया। तो बास कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें राइट ऑफ को उन्होंने कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन आप समझ लें अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैंने किसी को राइट ऑफ कर दिया था, वो बंदा भाग गया, पता ही चला कि कुछ अर्से बाद वो बंदा वापस आ गया, ये खुशी की खबर है या गम की? खुशी। तो ये खुशी की खबर है कि मनी इज़ कमिंग बैक। तो अब मैं एक अकाउंट क्रिएट करूँगा, उस अकाउंट का नाम होगा बैड डेट्स रिकवर्ड। मैं अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करूँगा, उस बंदे को जो भाग गया था उसको जिंदा करूँगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। और फिर कैश आ जाएगा मेरे पास उसके बाद वाली एंट्री में, तो एक और एंट्री बनेगी कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और वो जो बैड डेट्स रिकवर्ड है उसको हम इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर सकते हैं, तो उसकी एंट्री बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट एंड इनकम समरी क्रेडिट। तो ये आपने समझा कि किस तरीके से पैसा जो राइट ऑफ हो चुका था वो पैसा हमारे पास कैसे आ जाता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज़ ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये बैलेंस शीट में जाकर अकाउंट रिसीवेबल को कम कर देता है। एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, मैंने 5,000 का माल किसी को बेचा था, पता ये चला कि मुझे डाउट हो गया कि 5 के 10% उसका नहीं मिलेगा। तो 5,000 का 10% कैसे बनेगा? एक ज़ीरो कम कर दें तो 500 मुझे नहीं मिलेंगे। ये मेरे जहन में ख्याल आ गया, एस्टीमेट किया मैंने कि शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन ये खबर कौन सी है? ये खबर कोई खुशी की नहीं है, ये गम की खबर है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग में, वो कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस की जब खबर मिले तो एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो।
बुरी खबर मिली, मैंने रिकॉर्ड किया। तो अब एक डबल एंट्री बनाएंगे, उस डबल एंट्री कैसे बनाएंगे कि एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, उसको बहुत सारे लोग बैड डेट एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर है आप डाउटफुल डेट एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करें। और आप उस बंदे को जाके तो आप फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि यार मुझे तुम पर डाउट हो गया, तुम पैसे दोगे नहीं दोगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि क्रेडिट साइट पर एक अलाउंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये ईयर वन है, हमने 500 रुपये का अलाउंस बना दिया, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हो गया और ये जो अलाउंस था ये बैलेंस शीट में 5,000 में से माइनस हो जाएंगे। हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल 5,000 माइनस अलाउंस 500, तो रिमेनिंग कितने बनेंगे 4,500। ईयर वन कंप्लीट हो गया। ये एग्जांपल थी क्रिएशन ऑफ अलाउंस। अब ईयर टू में आते हैं। अब ईयर टू में फॉर एग्जांपल हमने 6,000 रुपये का माल बेचा है। अब ये सोचें कि हमने जो 6,000 का माल बेचा है इसकी एंट्री हमने वही बनाई होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब ड्यूरिंग द ईयर कितने पुराने पैसे आ गए नहीं आए, इसमें से कितने पैसे आए नहीं आए, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 6,000 रुपये रिसीवेबल के लेने हैं, और अगर हमारी सेम पॉलिसी है 10% की तो हम 6,000 का 10% निकालेंगे तो क्या बना 600। तो अब हमें 600 तक का अलाउंस चाहिए, 600 का नहीं 600 तक का। तो हमारे पास ऑलरेडी अलाउंस कितना पड़ा हुआ है, अलाउंस बैलेंस शीट का अकाउंट है, बैलेंस शीट के अकाउंट्स इस साल से अगले साल ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी अलाउंस कितना पड़ा है 500। अब हमें कितना चाहिए 600। 600 और 500 में कितना डिफरेंस है 100 का, 100। इसका मतलब सेकेंड ईयर में हम 100 रुपये की डाउटफुल डेट एक्सपेंस की एंट्री बनाएंगे, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। वो एक्सपेंस जो 100 रुपये का होगा वो कैसे आया, 600 माइनस 500, 600 इस साल कैलकुलेट किए, 6,000 इंटू 10% 600, 500 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, 600 माइनस 500 कितना हुआ 100 हुआ। ये जो 100 है ये इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा, और जो अलाउंस है इस साल का 100 और पुराना 500 मिलके 600 बनेगा, 600 6,000 में से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। अब एक और बात, ऐसा भी तो हो सकता है ईयर थ्री में ऐसा हुआ कि हमने उधार पर माल 4,000 का बेचा था, 4,000 का 10% कितना बनता है 400। अब हमें इस साल 400 तक का प्रोविजन चाहिए, 400 तक का अलाउंस चाहिए, जबकि अलाउंस हमारे पास ऑलरेडी कितने का पड़ा हुआ है 600 का पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन को कहते हैं डिक्रीज इन अलाउंस। अब उल्टी एंट्री बन जाएगी, 400 माइनस 600 माइनस 200 आ गया, ये 200 जो है जीपी में जमा हो जाएगा। यह खुशी की खबर है कि हमने ज़्यादा एस्टिमेट किया हुआ था, अब हमारे पैसे आ रहे हैं। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और 200 रुपये से अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब 200 जो क्रेडिट हुआ अलाउंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब ये 200 जीपी में जमा हो जाएगा। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस में आपके पास बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ऑलरेडी गिवन है, और तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल की जो फिगर दी हुई है ट्रायल बैलेंस में वो रिलायबल है, उस फिगर पर डायरेक्टली अलाउंस लगाएंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में उसने आपको एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपको बताता है कि जनाब इतना हमारा डाउटफुल डेट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो है हमारे इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट IS-10। अभी हम IS-10 को डिस्कस नहीं करने जा रहे, मैं एक अलग से लेक्चर क्रिएट करूँगा IS-10 का आपके लिए, उसमें ये अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ जो एस्टिमेटेड डेट होती है उसके बाद जो वो जो एट द रिपोर्टिंग डेट पे के बाद जो कुछ होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एट द मोमेंट थर्ड ईयर में क्या हुआ कि 200 का अलाउंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज इन अलाउंस कहलाएगा, वो 200 जीपी में जमा हो जाएंगे, और ये जो हमारे पास 200 है ये अलाउंस के डेबिट साइड के अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। 600 ऑलरेडी क्रेडिट में था, 600 माइनस 200 400 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, 400 रुपये 4,000 रुपये में से बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे। आखिरी बात, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, बिल्कुल उसी तरह से हम अलाउंस अकाउंट जो है वो हम डिस्काउंट के लिए भी बना सकते हैं, अलाउंस फॉर डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। कि हमने ये सोचा कि फलाना आदमी डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड है। कि हमने ये सोचा कि फलाना आदमी जब हमारे पास आएगा तो वहाँ के एस्टिमेट ना हमने किया कि वो रोएगा धोएगा कि हाय हाय इतने कम कर दो, तो हमने कहा चलो यार उसको हम कम कर देंगे। लेकिन याद रखें कभी भी प्रोविजन या अलाउंस फॉर डिस्काउंट रिसीव नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसलिए कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम फलाने आदमी के पास जाके जो है वो कहेंगे कि भाई हमें इतना डिस्काउंट दे दो और हम इसके अलाउंस बनाएंगे, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट।
तो ये मैंने आज आपकी क्लास में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, किसका, बैड डेट एक्सपेंस का, राइट ऑफ यानी कि, फिर उसके बाद रिटर्न ऑफ जो है वो रिकवर्ड का डिस्कस किया, और फिर मैंने अलाउंसेस डिस्कस किया आपके साथ, क्रिएशन ऑफ अलाउंस पहला था, उसके बाद इंक्रीज इन अलाउंस, और उसके बाद डिक्रीज इन अलाउंस था। थैंक यू वेरी मच, और अभी मैं ये वीडियो आपकी जो है अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। एंड यू प्लीज़ वेन एवर आई से कि मेरी वीडियो मौजूद है, उसके साथ ही आपको रिलेटेड जिस लेवल की आपकी किताब है, जिस लेवल पे आप स्टडीज़ कर रहे हैं, उस लेवल की किताब ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें तो यू कैन शूट मी एन ईमेल। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।